हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री की। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो चैप्टर्स आपके लिए हम लेकर आए हैं दोस्तों, ये है दोस्तों आपका बहुलक में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे आपको। दोस्तों, जो बहुलक पॉलीमर से ये लगभग आपका दोस्तों सेमेस्टर में, हर बार सेमेस्टर में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें 4 से 5 नंबर्स का इसमें से क्वेश्चन आता है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको जो पहले थ्योरेटिकल पार्ट्स में जो चैप्टर्स हैं उनको आप जरूर पहले तैयार कर लीजिए। जैसे आपका ये पॉलीमर्स का हम बता रहे हैं, इन सब जो चैप्टर्स हैं इसको आप आसानी से अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सब आपको फिक्स होते हैं और अगर आप थ्योरी टाइप लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहले इन चैप्टर्स को एक वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा कि आपको कौन से पहले चैप्टर सब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा। एक वीडियो आपके लिए अपलोड होगा सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, एक चीज आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए दोस्तों, मतलब कि आपको जो पेपर्स पुराने हुए हैं ठीक है उनका प्रीवियस के पेपर चाहिए, तो आप मॉडल पेपर के लिए कमेंट करिएगा। और मैं दोस्तों आपके लिए चाहता हूं कि एक गेस्ट पेपर तैयार करूं सभी सब्जेक्ट के लिए, तो आप अगर गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो दोस्तों मैं आपको जरूर यहां पर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पॉलीमर्स में जो आपको ये अति लघु क्वेश्चन आते हैं, छोटे लेवल के मतलब एक नंबर्स के जो क्वेश्चन आते हैं, इनमें क्या होता है कि आपको एक नंबर्स में अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो 60 क्वेश्चन आसानी से आप कर सकेंगे। तो पहले अगर हम आपको बताएं, जैसे आपको दिया है दोस्तों प्राकृतिक रबड़ का एक लग क्या होता है, तो आइसोप्रीन होता है। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन एक बार थ्योरी पूरा पढ़ लेते हैं तो 60 क्वेश्चन आसानी से आप कर सकेंगे। जैसे दोस्तों पूछ लेता है पीवीसी का फुल फॉर्म बताइए या पीवीसी का एकलक किसका है, जैसे बताया दोस्तों विनाइल क्लोराइड का है। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछ लिया नायलॉन 66 किस प्रकार से बनाया जाता है, तो ये संघनन किसके संघनन से बनाया जाता है, दोस्तों ये बनाया जा रहा है किसका, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के उच्च ताप और दाब पर यह संघनन द्वारा बनाया जाता है। तो ये सब क्या है दोस्तों, इसको आपको लॉन्ग को पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन हम लॉन्ग में लेते हैं दोस्तों, बहुलक और बहुलीकरण क्या है, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। इसमें 4 से 5 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 15-20 मिनट का जो भी वीडियो है, 25 मिनट का, इसको आप क्लियरिटी के साथ पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको दोस्तों इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों इसी से क्वेश्चन आ जाए या इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, पहला टॉपिक आपके लिए बहुलक और बहुलीकरण। तो बहुलक क्या होता है कि साधारण अणुओं जिन्हें एकलक या मोनोमर कहते हैं कि बड़ी संख्या में, क्या दोस्तों, कि बड़ी संख्या में परस्पर जुड़ने से बने अति उच्च अणुभार वाले यौगिकों को बहुलक कहते हैं। मतलब क्या होता है कि साधारण अणु, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल समझिए, जैसे दोस्तों पॉलीथीन एक क्या है, बहुलक है। कैसे, जो असंख्य एथिलीन अणुओं के उच्च ताप और उच्च दाब आपस में जुड़ने पर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों क्या बताया गया है, एथिलीन आपका है जिसे आप क्या कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है, ये एथिलीन है। इसकी होल पावर क्या n की गई, मतलब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर एथिलीन आपका क्या है, एकलक है, मोनोमर है। इसके n अणु लिए गए और सभी का उच्च ताप और उच्च दाब पर क्या संघनन किया गया, तो आपका क्या बना दोस्तों, पॉलीथीन पॉलीमर बना, जिसमें आप देख रहे हैं CH2 आपके सभी हैं। तो ये क्या है दोस्तों, एथिलीन में क्या होता है, आपका जो दोस्तों यहाँ पर मोनोमर होगा उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, लेकिन जब आपका वो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, बहुलक अर्थात आपका पॉलीमर बन जाएगा, तो सभी में क्या, सिंगल बॉन्ड से वो सभी जुड़ जाते हैं। मतलब ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ये टूटकर सभी को अपने में जोड़ता है, जब सिंगल बॉन्ड टूटेगा दोस्त तभी आपको सभी को ऐड करेगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पॉलीथीन एक बहुलक है, कैसे बनता है, इसका मोनोमर क्या है, तो पॉलीथीन का जो मोनोमर है वो आपका एथिलीन है। तो असंख्य एथिलीन अणुओं के उच्च ताप और उच्च दाब से मिलकर जुड़ने वाले जो होते हैं, अणु से जुड़ने से क्या बनता है दोस्तों, वो आपका बनता है पॉलीथीन। ठीक है, तो एक आपका एथिलीन का आप देख रहे हैं CH2 ये डबल बॉन्ड में है, ठीक है, इसका उच्च ताप और उच्च दाब पर किया गया, तो आपका बना पॉलीथीन पॉलीमर। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बहुलीकरण ये होता क्या है, ये क्रिया कैसे होती है, तो दोस्तों क्या होता है, पॉलीमराइजेशन जो होता है वह प्रक्रम जिसमें एकलक अर्थात मोनोमर के अनेक साधारण अणु परस्पर जुड़कर बहुलक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहता था, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका एथिलीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 के एन अणु को लेकर क्या बनाया गया, पॉलीथीन बनाया गया, तो ये क्या हुआ, बहुलीकरण हुआ। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ बात करें तो सिलिकॉन पर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपने देखा बार बार ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है,
देख रहे हैं दोस्तों यूपी बीटी 2007 में, यूपी बीटी 2012 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोस्तों सिलिकॉन, सिलिकॉन पर टिप्पणी कीजिए, सिलिकॉन क्या है इसका सामान्य सूत्र लिखिए, औद्योगिक उपयोग में इसका क्या यूज है। आप देख रहे हैं 2007 और 2012 में ये क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, और अब हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ सेकंड वीडियो बनाने के, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ दोस्तों क्या है, सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन के परमाणु रेजिन तथा रबड़ के वैकल्पिक से जुड़े होते हैं। साधारणता क्या होता है ये दोस्तों, डाइक्लोरो डाइमेथिल। अब आप कहेंगे यहाँ पर दोस्तों कि इतना बड़ा बड़ा ये दिया है, हम कैसे इसको याद करेंगे, तो आपको सिस्टम याद रखना है, वहाँ पर नंबर आपको कैसे प्राप्त करना है, तो इस रिएक्शन को कोशिश करें जो आपको ये दिख रहा है इसको आप जरूर याद रखिए, ये आपका इफेक्टिव है। अगर आप कोई थ्योरी लिख देते हैं उसमें साथ में कोई फिगर बना देते हैं, कोई भी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर आप कोई थ्योरी लेते हैं लिखते हैं और उसमें साथ में एक फिगर बना देते हैं, तो पांच नंबर्स में आपको तीन नंबर मुश्किल से देना ही पड़ता है टीचर्स को। अगर आप फिगर सहित आपने थ्योरी लिख दी है, कम भी लिखा है, तब भी आपको पांच में से तीन नंबर दे देता है। तो यही कोशिश करें दोस्तों कि इसमें केमिस्ट्री का मतलब है कि उसमें अगर रिएक्शन है तो उस रिएक्शन को जरूरी है लिखना। तो यहाँ पर जो बन रहा है ऐसे सब कहानी लिख सकते हैं, लेकिन आपको सिलिकॉन क्या है तो इसको फार्मूला जो आपको है इसकी आप जरूर याद करें। अब याद करने का तरीका ये है दोस्तों कि आप जो रिएक्शन होता है उसको बार बार लिखें और आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, या आप याद कर सकते हैं या इसको समझने की कोशिश करें किससे कौन ऐड हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहां से दोस्तों आप देख रहे हैं सिंपली आपका ये कैंसिल होकर आपका HCl बन रहा है, यहां पर क्या हो रहा है Cl निकल रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है यहां पर O निकल रहा है, और इसमें आपका OH बन रहा है, और इसमें दोस्तों क्या है H2 और Cl मिलके आपका HCl बना लिया है सिंपली दोस्तों। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये डाइक्लोरो डाइमेथिल साइक्लिन के जल विद्युत अपघटन के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और सिलिकॉन पॉलीमर या डाइमेथिल साइक्लिन साइलेन डाइआल पर संगठन की क्रिया। आप देख रहे हैं दोस्तों कितना टफ ऐसा लग रहा है ना, लेकिन आप दो तीन बार इसको पढ़ेंगे और रिएक्शन को लिखेंगे तो बहुत आसान लगता है। अब दोस्तों आपको पढ़ना होगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ध्यान से इसको समझना होगा, ठीक है। तो इसमें सिलिकॉन्स के औद्योगिक आपको ये पूछ लिया है, तो दोस्तों जैसे क्या होता है कि द्रवित सिलिकॉन जैसे लिक्विड सिलिकॉन एक स्नेहक की तरह कार्य में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसे एक स्नेहक लुब्रिकेंट्स आपको हमने चैप्टर्स पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है दोस्तों तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जो चैप्टर्स मैंने केमिस्ट्री के अपलोड किए हैं आप उनको जाकर ध्यान से जरूर पढ़ें। हम जितने भी जो आपको टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं लगातार आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। तो आप थ्योरी पार्ट्स को केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, जितना हो सके थ्योरी और रिएक्शन जो उसके बनते हैं उनको क्रिया अपक्रिया को जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपको दिया दोस्तों, ये पानी के जहाज में इंसुलेटर की तरह इंसुलेटर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला क्या है दोस्तों, लिक्विड सिलिकॉन में लुब्रिकेंट अर्थात स्नेहक के रूप में किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये पानी के जहाज में इंसुलेटर के रूप में किए जाते हैं। तीसरा है दोस्तों, हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, सिलिकॉन हवाई जहाजों के टायरों बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्त आप यहाँ पर अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो पहला पॉइंट आपका ये, अगर जो पूछता है सिलिकॉन क्या है तो आप वैसे ही हेडिंग लिखेंगे सिलिकॉन क्या है, फिर उसके बाद आप आंसर लिखिए। फिर आपसे पूछता है सामान्य सूत्र, तो देखिए आप सामान्य सूत्र लिखा। उसके बाद पूछता है आपसे क्या, औद्योगिक लाभ। जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अगर आप उस टाइप के आंसर लिखते जाएंगे तो आपको जो टीचर्स कॉपी जाता है वो क्लियर समझेगा कि ये जो स्टूडेंट लिख रहा है यहाँ पर इसको क्वेश्चन को देख कर आसानी से नंबर लिख रहा है, ठीक है। अगर आपको आ भी रहा है और आप क्वेश्चन को देख कर नहीं आप कहानी टाइप लिखते चले जा रहे हैं तो इसका भी आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सामान्य सूत्र तो उसके स्टेप बाय सामान्य सूत्र लिखें। फिर औद्योगिक को हेडिंग डालकर आप जैसे यहां पर देख रहे हैं औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो यूज है इसको औद्योगिक उपयोग हेडिंग डालकर लिखा गया, तो सिंपल आप भी हेडिंग डालकर जरूर लिखिए। और कोशिश करो दोस्तों अगर आप स्केच से लिख पाते हैं तो आप पेपर्स में हेडिंग का यूज स्केच से करें, ठीक है। कोशिश करें स्केच से, आप स्केच को अच्छे से बना लें और स्केच से लिखने की कोशिश करें तो उससे इफेक्टिव पड़ता है, अच्छा इफेक्ट उस पर पड़ेगा, ठीक है। चौथा दोस्तों पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में एडेसिव अर्थात असंजक की तरह प्रयोग किया जाता है, और इसमें क्या है, ये धुलाई मशीन में इंसुलेटर के तौर पर प्रयोग किया वी संवाहक। तो आपको ये पानी के जहाज में भी इंसुलेटर की तरह यूज किए जाते हैं और धुलाई मशीन अर्थात वॉशिंग मशीन जो आपकी होती है उसमें, तो ये तो आपको दोनों कॉमन हो गए तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये जो औद्योगिक यूज होते हैं एक दो बार आप थ्योरी दोस्तों पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है, आपको आसानी से दो तीन बार आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा।
आप एक टॉपिक को 2-3 बार जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों है कि आपका, देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुलकों का वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब पॉलीमर्स का, डू द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो बहुलकों का वर्गीकरण का मतलब है आपको यहाँ पर पूरा आपको बताना होगा कि ये पॉलीमर्स कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको बताना होगा। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं दोस्तों, पॉलीमर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कितने प्रकार के संरचना संश्लेषण आविक। तो पॉलीमर्स की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर, संश्लेषण के आधार पर और आणविक बल के आधार पर। तो पहला दोस्तों आपका है उत्पत्ति के आधार पर, तो ये प्राकृतिक होते हैं और संश्लेषित होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके पॉलीमर्स दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। अगर संरचना के आधार पर बात करें तो रेखीय होते हैं, शाखित श्रृंखला होते हैं और क्रासबद्ध होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के दोस्तों, संरचना के आधार पर रेखीय, शाखित श्रृंखला, तीसरा है क्रासबद्ध। तीसरा पॉइंट दोस्तों आपका संश्लेषण के आधार पर, इसमें योग संश्लेषण होता है और संघनन होता है। संश्लेषण के आधार पर आपका योग अभिक्रिया होती है और संघनन अभिक्रिया होती है। चौथा दोस्तों आपको जो है ये होता है दोस्तों आणविक बल के आधार पर, ये होता है दोस्तों इलास्टोमर। दूसरा है दोस्तों रेसे, तीसरा है आपका थर्मोप्लास्टिक और चौथा है दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो आइए दोस्तों पहला पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर उत्पत्ति के आधार पर आप प्राकृतिक बहुलक कहें और संश्लेषित, तो प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं, जिसे आप नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं और उसे सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। तो पहला दोस्तों ये बहुलक प्राकृतिक साधनों जैसे जीव जंतुओं वनस्पति से प्राप्त होते हैं, मतलब कुल मिला के जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो क्या है, प्राकृतिक बहुलक हैं, जीव जंतु वनस्पति से, जैसे प्राकृतिक रबड़ हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोस हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, ये हैं आपके प्राकृतिक बहुलक अर्थात नेचुरल पॉलीमर्स। दूसरा क्या है दोस्तों, संश्लेषित बहुलक अर्थात सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये बहुलक मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, जैसे आपका पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, संश्लेषित, देखिए एक रबड़ होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक रबड़, एक होता है आपका संश्लेषित रबड़, ठीक है। तो पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, संश्लेषित रबड़ हो गया और पीवीसी हो गया, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा ये संरचना के आधार पर क्या है दोस्तों, संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अब संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया उत्पत्ति के आधार पर, अब संरचना के आधार पर, संरचना में किस टाइप के दिखते हैं, तो रेखीय श्रृंखला बहुलक, लीनियर चेन पॉलीमर्स क्या होते हैं, इन बहुलकों में मोनोमर इकाइयां परस्पर संयुक्त होकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं, अर्थात स्ट्रेट लाइन आपकी लंबी श्रृंखला लीनियर बनाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपके होते हैं श्रृंखला, एक दूसरे से ऊपर व्यवस्थित रहती है। इन बहुलकों के दृढ़ांक और घटनांक, आपको अगर ये सब नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, आप इतना याद रखें कि ये तीन टाइप के होते हैं, रेखीय श्रृंखला, शाखित और क्रासबद्ध। इसमें क्या होते हैं, इन बहुलकों में मोनोमर जो होते हैं, चूंकि जो आपका पॉलीमर बनता है वो मोनोमर से बनता है, तो इन बहुलकों में मोनोमर जो होते हैं आपके एकलक इकाइयां परस्पर संयुक्त होकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है, तथा एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। बस आपको एग्जांपल्स में आ जाना है डॉक्टर, यहां पर डायरेक्ट किस में आ जाता है, तो एग्जांपल में जैसे पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये सब किसके हैं, ये रेखीय होते हैं। आपको दोस्तों अभी हमने पॉलीथीन का बताया, एथिलीन से बना होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के क्या इन अणु को ले लिया जाता है, तो ये आपका यहां पर बन जाता है पॉलीथीन। अभी दोस्तों इसके बाद शाखित श्रृंखला बहुलक की बात करें, तो इन बहुलकों में मोनोमर इकाइयां परस्पर जुड़कर ऐसी श्रृंखला बनाती हैं जिनके साथ विभिन्न लंबाई के शाखित श्रृंखला में जुड़े होते हैं। आइए दोस्तों हम आपको दिखा भी देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपके क्या है, ये रेखीय बहुलक हैं। तो रेखीय बहुलक क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंपली ये अपने से हैं, इसके ऊपर नीचे होंगे लेकिन एक दूसरे से क्या होंगे, ये जुड़े नहीं होंगे, तो ये क्या है, रेखीय अर्थात लीनियर चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है दोस्तों, शाखित अर्थात शाखा, आप समझ सकते हैं जैसे आपका वृक्ष होता है उसमें क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार ये मान लीजिए बीच वाली ये आपकी लाइन है, तो इसमें क्या है, ये शाखाएं हैं, तो ठीक इसी प्रकार आपका यहाँ पर इसका नाम है शाखित श्रृंखला बहुलक। तो वही चीज आपको यहाँ बताया गया कि इन बहुलकों में मोनोमर इकाइयां परस्पर जुड़कर ऐसी लंबी श्रृंखला बनाती हैं जिनके साथ विभिन्न लंबाइयों की शाखित श्रृंखला जुड़ी होती हैं, तथा अनियमित ढंग से जुड़ी होने के कारण इनका दृढ़ांक और कदनांक क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका एग्जांपल है स्टार्च और ग्लाइकोजन। क्या है दोस्तों, स्टार्च और ग्लाइकोजन, एग्जांपल आप जरूर ध्यान रखिए, अगर एग्जांपल आपको याद रहेगा तो क्या होगा कि इससे आपको ये फायदा रहेगा कि एग्जांपल्स आप लिखेंगे तो इससे इफेक्ट पड़ता है कि आप नॉलेज, आपने अच्छा नॉलेज गेन किया है, ठीक है। तीसरा दोस्तों है क्रासबद्ध बहुलक,
क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो क्रॉसबद्ध होते हैं, इन बहुलकों में मोनोमर इकाइयां क्रॉसबद्ध रूप से जुड़ी होती हैं, अर्थात थ्री डायमेंशनल 3D नेटवर्क में जुड़ी होती हैं। ठीक है, थ्री डायमेंशन होती हैं, तो इन बहुलक कठोर और भंगुर होते हैं। जैसे एग्जांपल्स में दोस्तों बेकेलाइट और मैलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, तो इसको देख लीजिए, ये ऐसे होते हैं। कैसे दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कहाँ से आप देख रहे हैं, कहीं से भी क्रॉसबद्ध के रूप में जुड़े होते हैं, कहीं से भी कट पिट जा रहे हैं और जुड़ जा रहे हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, ये क्रॉसबद्ध होते हैं, अर्थात ये 3D डायमेंशन में होते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क में जुड़े होते हैं। तो हमने आपको बताया ये दोस्तों संरचना के आधार पर रेखीय, शाखित और क्रॉसबद्ध होते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आपसे बेकेलाइट और बहुलक जो होते हैं, इन्हें टिप्पणी करने हैं। तो आपका बेकेलाइट क्या होता है, ये आपसे पूछ लेता है कि बेकेलाइट बताइए, इसके बनाने की विधि बताइए, हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें जो टॉपिक्स आपको छूट रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताएंगे, पहले आप इस टॉपिक्स को अच्छे से आप समझ लीजिए। जो बेकेलाइट्स आपका होता है दोस्तों, इसमें बेकेलाइट्स में क्या होता है कि ये सर्वप्रथम तो ये पॉइंट तो ठीक है आपका, यहाँ पर समझिए बनाने की कैसी बनती है। तो आपका दोस्तों फिनाल को फॉर्मेल्डिहाइड, या आपको दोस्तों समझते हो फिनाल को फॉर्मेलिन की अधिकता के साथ किसी क्षारी उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर छोटी श्रृंखला में युक्त बहुलक होते हैं, जिनका अधिक देर पर गर्म करने पर श्रृंखलाओं में लंबाई के रूप में क्रॉसबद्ध हो जाते हैं और एक कठोर बहुलक बन जाता है, जिसे आप बेकेलाइट कहते हैं। आप इतना ध्यान रखेंगे, ये है दोस्तों आपका फिनाल। फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि इसको आप ध्यान रखिएगा, आप कोई भी विधि लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, अगर उसमें आपका रिएक्शन है केमिस्ट्री में, तो रिएक्शन को आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये फॉर्मेल्डिहाइड को फिनाल की उपस्थिति में क्या, फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन कराया जा रहा है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, और आपका ये सिंपली फॉर्मेल आपका क्या बन जा रहा है दोस्तों, यहां पर सिंपली आपका बेकेलाइट बन जा रहा है। तो आपका वहां पर अगर आप अच्छे से इस फिगर को भी बना देंगे तो इससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो बहुलक का चैप्टर है, हम बहुलक की अगर बात करें तो आपको कोशिश करें कि जो आपसे पूछा जाता है, बेकेलाइट पूछा जाता है, प्राकृतिक रबड़ पूछा जाता है, संश्लेषित रबड़ पूछा जाता है, तो इन सबको आप कोशिश करें कि उनका फिगर स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्त क्या हो रहा है कि आपका अगर आपसे बनाया पूछा जाता है तो आप सिंपली कह सकते हैं कि बेकेलाइट कैसे बनता है। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि 37% फॉर्मेल्डिहाइड के अणु एन अणु तथा फिनाल की उपस्थिति में फिनाल के एन अणु, दोस्तों यहां पर एन आप देखिए, यहां पर एन दोनों के सामने लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब क्या, 37% जो आपका 37% क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड के एन अणु तथा जितने बचते हैं दोस्तों उसके 100 से आप 37 माइनस करेंगे, जितने बचते हैं उसके क्या, फिनाल के एन अणु को लेकर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट करते हैं, तो आपको सिंपली यही फिगर बना के बता देना है कि आपका क्या बन जाता है दोस्तों, बेकेलाइट बन जाता है। ठीक है, अगर आप इतना भी बता देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। और आपसे पूछ रहा है दोस्तों इसके गुण और उपयोग बताइए। दोस्त अगर आपसे कुछ भी पूछ लेता है, आपसे बेकेलाइट पूछता है, अगर आपसे गुण और दोस्त वहां नहीं लिख रहा, तो अगर आपको टाइम है और अच्छा नंबर आपको गेन करना है तो कोशिश करें आप बेकेलाइट लिख रहे हैं तो गुण और दोष अपने से भी आप लिख सकते हैं। अगर आप पूछ लेता है, जैसे यहां पूछा है, तो आप 100% उसको लिखे ही लिखे, क्योंकि आपको जो नंबर अगर है, ये क्वेश्चन अगर हम कहते हैं 3 नंबर का है, तो ये आपको ये बेकेलाइट क्या है इस पर 1 नंबर मिलेगा, गुण क्या है उस पर 1 नंबर मिलेगा, उपयोग क्या है 1 नंबर, 3 नंबर को तीनों जोड़कर आपका मिलेगा। अगर आप बेकेलाइट क्या है लिख कर चले जाते हैं तो ओनली 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो भी नंबर डिवाइड करके रखते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। एक क्वेश्चन आपको और अच्छे से बता दे रहे हैं दोस्तों, इसका सेकंड जो पार्ट होगा उसमें भी आपको आने वाली वीडियो में भी बताएंगे, बहुलक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहा है। ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए दोस्तों, एक होता है योगात्मक, एक होता है आपका संघनन बहुलीकरण, दोस्तों जिसे आप कहते हैं योग, और एक होता है संघनन। योग बहुलक और संघनन बहुलक में क्या अंतर होता है इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार आता है। ये क्या होते हैं, जो योग होते हैं ये असंतृप्त एकलक यौगिकों के बहुलीकरण से बनते हैं। किसके दोस्तों, ये असंतृप्त एकलक यौगिकों के बहुलीकरण से बनते हैं। ये कम से कम जो संघनन होते हैं, ये कम से कम 2 अभिलाक्षणिक समूह यौगिकों के बहुलीकरण से बनते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इनमें
इसके बनने से किसी अणु का निष्कासन नहीं होता है जो योग बहुलीकरण होता है, और संघनन में क्या होते हैं, इनके बनने से प्रायः H2O, HCl, NH3, CO2 अणु का क्या हो जाता है, निष्कासन मतलब क्या हो दोस्तों, अलग हो जाते हैं। यहाँ पर योग बहुलीकरण में योग मतलब दोस्तों जुड़ना, आप ऐसे भी कॉमन याद कर सकते हैं, योग मतलब जुड़ना। तो इसके बनने से क्या होता है, कोई भी छोटा अणु निष्कासित नहीं होता है, लेकिन जो संघनन होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, इसके बनने से आपके H2O, HCl, NH3, CO2 ये जो होते हैं ये निष्कासित हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, इनके बनने से एकलकों का शीघ्र संकलन होता है, और इनका क्या होता है, संघनन में इनके बनने से विभिन्न एकलकों का धीमा मतलब ये रिएक्शन जो होगी, प्रक्रिया होगी वो तेज होगी, और संघनन प्रक्रिया आपकी स्लो होगी, यहाँ कहने का मतलब ये है। चौथा पॉइंट दोस्तों आपको दिया है, इनको बनाने में उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, और इनको बनाने के लिए उत्प्रेरक की कोई आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखिएगा, योग अभिक्रिया जो होती है, योग बहुलक जो होता है, उसमें क्या होता है, आपको उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी, अर्थात बिना उत्प्रेरक के रिएक्शन नहीं हो सकती, लेकिन जो संघनन होती है उसमें कोई उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है। आखिरी है दोस्तों, योग बहुलकों के उदाहरण अगर बात करें तो आपका पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे आप PVC कहते हैं, तो ये क्या हो गए दोस्तों, ये आपके योग बहुलक के अंतर्गत। आपको मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बहुलक के जितने भी हैं उनमें एग्जाम्पल्स और रिएक्शन जरूर आप ध्यान रखें। अगर आप एग्जाम्पल्स और रिएक्शन को याद कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक रिएक्शन के साथ आपको जो उसका थ्योरी लिखना होता है ऑटोमेटिक आप लिख सकेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है दोस्तों, और संघनन में क्या होता है कि इसमें नायलान, टेरिलीन, बेकेलाइट, सिलिकॉन, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स है। तो योग बहुलक और संघनन बहुलक में क्या अंतर है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अभी तक लास्ट तक आपने देखा है तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा। और दूसरी बात, अगर आपने हमारा पेपर ये वीडियो लास्ट तक आपने देखा है तो लास्ट में जय हिंद जरूर आप लिखिएगा। तो दोस्त जय हिंद।